नमस्कार दोस्तों, मैं सरला आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने YouTube चैनल सरला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे CPR प्रोसीजर के बारे में। मैं आपको एक लंबा चौड़ा या फिर कोई ज़्यादा बड़ा सा आपको एक वीडियो नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा वीडियो दिखाऊंगी जिसमें कि अगर वन रेस्क्यूअर है तो आप कैसे किसी को CPR प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी होंगी, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वन रेस्क्यूअर से कैसे और कितने रेशियो में आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है और कितना CPR आपको एक मिनट में देना है, जिससे कि आप पेशेंट को, जब तक आपके पास कोई इमरजेंसी सर्विसेज नहीं पहुंच पाती है तब तक आप पेशेंट को जिंदा रख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इस प्रोसीजर को हम डेमो के थ्रू समझते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। आप खुद सबसे पहले इस पोजीशन में बैठ जाइए जिस पोजीशन में मैं बैठी हूँ। इस पोजीशन को लेने के बाद आपको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करना है, जैसे कि हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन। प्रेशर देकर हेड फोरहेड पे प्रेशर देके चिन को आपको लिफ्ट करना है। आप ऐसे ऊपर करेंगे, ये एयरवे ओपन हो गया पेशेंट का। उसके बाद CPR देने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ में कोई रिंग ना हो, कुछ ना हो, आप नॉर्मली पहने रहेंगे। और आपको जो पेशेंट के लेफ्ट साइड, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड होता है, इसलिए लेफ्ट साइड पे आपको प्रेशर देना है या फिर आपको जो CPR का प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करना है पेशेंट के लेफ्ट साइड में। और आपको एक बोन अगर आप देखेंगे यहाँ पर फील होगा, आप छूकर देख सकते हैं, यहाँ पर फील होगा, वहां पर आपको देना है। और डेप्थ होना चाहिए इसका 1 to 1.5 inch का आपको डेप्थ देना है अगर आप एक एडल्ट पेशेंट में दे रहे हैं। वन रेस्क्यूअर के लिए आपका रेशियो है 1 respiration and 15 CPR। आप क्या करेंगे, 1 respiration देंगे पेशेंट को और 15 CPR करेंगे। तो आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे पहले पेशेंट को, आप माउथ ओपन करेंगे और नोज को ब्लॉक कर देंगे, इसको आप ऐसे पकड़कर इसको ब्लॉक कर देंगे। और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन है तो आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे, चेस्ट राइज होगा तब आपका जो एक रेस्पिरेशन आप उसको काउंट करेंगे। आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते समय आप पेशेंट के चेस्ट को भी देखेंगे, अगर ये राइज होता है, अगर ये ऐसे राइज होता है तो आपका एक रेस्पिरेशन ये फुली कंप्लीटेड है, लेकिन अगर राइज नहीं होगा तो ये फुली कंप्लीटेड नहीं होगा और आपको बहुत जल्दी जल्दी इसको परफॉर्म करना है। तो अब हम CPR करने के लिए एक हाथ को अपने दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे रख लेंगे यहाँ पर ऐसे, और जब हम CPR देंगे तो यहाँ पर प्रेशर डालेंगे अपने पाम के नीचे। तो CPR के लिए आप पोजीशन कर अपने हाथ को रख लीजिए और पेशेंट का जो हार्ट के पास का जो है, हार्ट पास, हार्ट लेफ्ट साइड में जो हार्ट का पार्ट है वहां पर आपको प्रेशर देना है। आपका डेप्थ ज्यादा होना चाहिए। मैं यहाँ पर करके नहीं दिखलाऊंगी क्योंकि अनकॉन्सियस पेशेंट नहीं है, या फिर मैं बता देती हूँ कि कैसे परफॉर्म करेंगे। ऐसे रख कर आप जल्दी 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 आपको ऐसे करना है। आपका ये वाला पार्ट ऐसे नहीं होना चाहिए, हाथ जो है या फिर आपका फोर हैंड है वो आपका बार बार ज्यादा नहीं हिलना चाहिए और जो एल्बो है वो भी मुड़ना नहीं चाहिए। आप परफॉर्म करेंगे ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे आपको परफॉर्म करना है CPR देने के लिए। आपकी बॉडी ज्यादा नहीं हिलनी चाहिए, आपका ध्यान आपके पेशेंट के हार्ट के पास ही होना चाहिए और डेप्थ को आपको ध्यान में रखना है। इन सब बातों के साथ आपको एक CPR परफॉर्म करना है और इसी के थ्रू आप एक इंडिविजुअल को आप बचा सकते हैं और इमरजेंसी आपके पास पहुंच जाएगी।
सीपीआर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो पसंद आया हो तो। लाइक करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।